नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने 11 नए कोरोना टीकाकरण केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों में बुधवार 17 मार्च से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के विभिन्न रोगों से पीड़ित नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। नागपुर में 11 नए टीकाकरण केंद्र खुल गए हैं, जिसमें सरकार के आदेशानुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और 45 वर्ष के विभिन्न रोगों से पीड़ित नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए उन्हें डॉक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र चाहिए। नागपुर के 72 केंद्रों में अब टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण निःशुल्क है। महापौर दयाशंकर तिवारी और आयुक्त राधाकृष्णन बी ने हाल ही में एक बैठक टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों के अनुसार निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के नए केंद्र बुधवार से नागरिकों की सेवा करेंगे। इन नए केंद्रों में इंदौरा नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, कपिलनगर नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, पारडी नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, शांतिनगर नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, हंसापुरी आयुर्वेदिक औषधालय, नंदनवन स्वास्थ्य केंद्र, बाबुलखेड़ा नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, मानेवाड़ा नागरिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। अब तक 17 सरकारी अस्पतालों और 55 निजी अस्पतालों में टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही निगम के जोनल कार्यालयों में निशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकरण के कारण टीकाकरण के लिए लंबे समय तक अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होगी।